नहीं है, तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब एजुकेटेड पर्सनैलिटीज हैं, एजुकेटेड यूथ हैं, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और यहाँ पर एट द सेम टाइम साइंस स्टूडेंट भी हैं बहुत सारे। तो क्या हुआ है, मतलब हमें पता है कि प्री मॉडर्न एज में क्या होता था कि कैथोलिक क्रिश्चियंस बहुत होते थे यूरोप में। तो क्या होता था कि वहाँ ये कहते थे कि जो पादरी होते थे, फादर्स होते थे, जो जमाने के लोग थे, उन लोगों को रिलीजन में नहीं घुसना है। जो वहाँ से पादरी बोलेगा, बाइबल पढ़ेगा, सिर्फ पादरी पढ़ेगा, फादर्स पढ़ेगा, और लोगों को बताएगा कि ये होता है। यहाँ तक कि ये कहा जाता था उस वक्त की अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, जो कि बिल्कुल अभी इस जमाने में बिल्कुल डिसप्रूव कर दिया। फैक्चुअल हमारे पास प्रूफ है, प्रिंसिपल्स हैं, जो हम मानने को तैयार नहीं है। लेकिन उस समय जमाने में अभी भी जो कैथोलिक क्रिश्चियंस वो ये मानते हैं कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, बट इट्स नॉट एट ऑल। लेकिन वो कैसे पता चला, वो इसके बाद पता चला, यूरोप में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन, दो रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसके बाद सबसे ज्यादा यूरोप टर्की की राह पर गया। क्यों गया? क्योंकि उन्होंने उस दीवार को तोड़ा कि रिलीजन और इस्लाम के बीच में जो दीवार बनाया था उसको तोड़ा। क्योंकि हमें पता है कि इस जमाने में हम कह सकते हैं कि इस्लाम के बिना साइंस अधूरा है, और साइंस के बिना इस्लाम अंधा है, हम जैसे कि एक मुहावरा है वो कहा जाता है, और वो बिल्कुल है। क्योंकि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिव रिलेशन हमें दिखाई देता है, क्योंकि कुरान में हमारा सिग्निफिकेंस हमें साइंस का दिया हुआ है। जैसे कि साइंस में मेरे से बेहतर मौलाना साहब जानते हैं कि कुरान में साफ तौर पर बताया गया है कि जो क्रिएशन हुआ है धरती पर, इस दुनिया पर, वो वाटर से, वाटर के सबसे पहले वो पानी से हुआ है, मतलब पानी से। तो कहीं ना कहीं वो एक इवोल्यूशन का हमें सिग्निफिकेंट